बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तवक्कलना पे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट किया जाता है और तवक्कलना पे पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी वजह से बंद हो चुका है और आपका तवक्कलना ओपन नहीं हो रहा, तो आपने नया नंबर लिया है वो सबसे पहले आपने इप्शिर पे जाके चेंज करना है। इप्शिर के चेंज करने के बाद फिर आपने तवक्कलना पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तब जाके आपका तवक्कलना ओपन होगा। अगर आप तवक्कलना पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करेंगे तो आपका तवक्कलना ओपन नहीं होगा और आपका कोड वही पुराने नंबर पे जाएगा। तो देखते हैं कि मोबाइल नंबर कैसे अपडेट किया जाता है और उसके बाद फिर देखेंगे कि तवक्कलना पे आप अपना पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि सबसे पहले मोबाइल नंबर अपडेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपने अपना तवक्कलना ओपन कर लेना है और अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपने अपना इकामा नंबर लिख देना है और उसके साथ नीचे वाले बॉक्स में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, अलाउ पे क्लिक करेंगे और फिर आपने नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। हमारे मोबाइल पर हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है। मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने दोबारा वापस आ जाना है और दोबारा आपने अपने तवक्कलना को ओपन करके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब हम अपना पासवर्ड चेंज करेंगे तो सबसे ऊपर आपने अपना इकामा नंबर लिखना है और नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और फिर आपने नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। हमारे मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, अलाउ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना तवक्कलना का पासवर्ड चेंज करना है, नया पासवर्ड लगाना है। तो 8 या 8 से ज़्यादा इंचों पर आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 से कम इंचों में नहीं होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आपने न्यू पासवर्ड के बॉक्स पर आपने अपना नया पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद सेम पासवर्ड आपने नीचे वाले बॉक्स में भी इंटर कर देना है। यहाँ पर भी आपने वही पासवर्ड दोबारा इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। आप देख सकते हैं कि हमारा तवक्कलना ओपन होने लगा है। तो इस तरह आप आसानी से अपना तवक्कलना ओपन कर सकते हैं। हमारा तवक्कलना आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है।